वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी टेक्निक्स में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही काम का टॉपिक है। आप सभी लोगों को इसकी जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, बिजनेस करना कौन नहीं चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम आती है, इसीलिए वो कोई बिजनेस नहीं कर पाते हैं और बेरोजगारों में उनकी गिनती होने लगती है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मुद्रा लोन के बारे में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी 2015 में। अब दोस्तों बात करेंगे इसके बारे में, हाउ टू अप्लाई मुद्रा लोन, मुद्रा लोन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और कैसे ये लोन मिलेगा, कहां से मिलेगा और दोस्तों किन कारणों से ये कैंसिल होता है, तो मुद्रा लोन की सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत अच्छे से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये रेड सर्कल में जो बेल आइकन का बटन आपको दिख रहा है इसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं एक वेबसाइट पर जिसके थ्रू हम आपको सारी जानकारियां देंगे। इसमें जो हमारे मेन पॉइंट होंगे वो ये कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से ये कैंसिल हो जाता है, कितना लोन आपको इसमें मिल सकता है, कितने तरह की ये स्कीमें हैं, सारी चीज़ें आप हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे। तो ये देखिए, वेबसाइट है economictimes.indiatimes.com। तो दोस्तों, ये बहुत ही फेमस न्यूज़ चैनल है जिसके तहत हमको सारी रियल जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो दोस्तों चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY में कैसे मिल सकता है लोन। PMMY के तहत मिलने वाले लोन की खास बात यह है कि इसके तहत लोन लेने वाले 4 लोगों में से 3 महिलाएं होती हैं। यानी जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, 75% जो प्रायोरिटी दी जाती है वो महिलाओं को दी जाती है। तो ये जो लोन है महिलाओं के नाम से अप्लाई किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। केंद्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की है। इसके तहत लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए छोटी रकम का लोन दिया जाता है। यह योजना 2015 से शुरू हुई थी। केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के 2 उद्देश्य हैं। पहला, स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना और दूसरा, छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार का सृजन करना। अगर आप भी अपना कारोबार शुरू करने के लिए पूंजी की समस्या का सामना कर रहे हैं तो केंद्र सरकार की इस योजना से आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। सरकार की सोच यह है कि आसानी से लोन मिलने पर बड़े पैमाने पर लोग स्वरोजगार के लिए प्रेरित होंगे और इससे बड़ी संख्या में रोजगार के मौके भी बनेंगे। मुद्रा योजना से पहले तक छोटे उद्यम के लिए बैंकों से लोन लेना काफी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थी। दोस्तों, जब हम पहले बैंक से लोन लिया करते थे तो इतनी वहां पर फॉर्मेलिटीज होती थी, इतने डॉक्यूमेंट्स होते थे कि लोन हमको लेना बहुत ही मुश्किल बात होती थी और लोन आसानी से मिल नहीं पाता था। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने जो ये स्कीम निकाली है वो इसलिए निकाली है जिससे कि जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन पैसे की वजह से वो नहीं कर पाते हैं या लोन की फॉर्मेलिटीज की वजह से वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये एक ईजी लोन गवर्नमेंट ने अपना लॉन्च किया है। ईजी लोन, इसमें डॉक्यूमेंट्स की बहुत कम से कम जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए हम आगे बताते हैं आपको। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का पूरा नाम माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी है। मुद्रा योजना की खास बात यह है कि इसके तहत लोन लेने वाले 4 लोगों में से 3 महिलाएं होती हैं। PMMY के लिए बनाई गई वेबसाइट के मुताबिक 23 मार्च 2018 तक मुद्रा योजना के तहत 2,28,144 करोड़ रुपए के लोन मंजूर किए जा चुके हैं। मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के लोन मिलता है। तो दोस्तों, इसमें गारंटी भी लगाने की आपको जरूरत नहीं होती। इसके अलावा लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं होता है और इसको जो लोन चुकाने की अवधि होती है वो 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है, वरना आप 2 साल में भी इसको चुका सकते हैं, 3 साल में भी इसको चुका सकते हैं। लोन लेने वाले को एक मुद्रा कार्ड मिलता है जिससे कि वो कभी भी पैसे अपने खर्च कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है वो इसके तहत लोन ले सकता है। अगर आप मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आपको पैसे की जरूरत है तो आप इस लोन को ले सकते हैं और ये लोन आपको 10 लाख रुपए तक मिल सकता है लास्ट। ठीक है, ये अपने छोटे अमाउंट से लेकर 10 लाख रुपए तक आप इस लोन को मंजूर करा सकते हैं। दोस्तों, अब इसमें जो कैटेगरी होती है वो 3 तरह की कैटेगरी होती है। पहला नाम है शिशु लोन, दूसरा किशोर लोन और तीसरा तरुण लोन। दोस्तों, शिशु लोन के तहत आपको 50,000 तक का लोन मिल सकता है, किशोर लोन के तहत आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिल सकता है और तरुण लोन के तहत आपको 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। बात करते हैं इसकी ब्याज दरों की। तो दोस्तों, इसमें 12% का एक फिक्स टारगेट रखा गया है, लेकिन अलग अलग बैंक में प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह ये सारी चीज़ें लगाकर हो सकता है 11% कुछ हो और हो सकता है 12% कुछ हो। तो ये सभी बैंकों का अलग अलग सिस्टम हो सकता है। दोस्तों,
तो दोस्तों आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके अपने नजदीकी सरकारी बैंक में जाना होगा या प्राइवेट बैंक में भी आप जा सकती हैं, क्योंकि कुछ प्राइवेट बैंक्स पर भी इसके तहत लोन देने की अथॉरिटी है, वरना सरकारी बैंकों में तो सभी में ये उपलब्ध है। तो वहां पर आप बैंक में जाएं और बैंक में जाने के बाद आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीजें ले जाएं तो आपको लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं वहां पर। अब दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए आपको क्या चीजों का ध्यान रखना होगा, सबसे पहले लोन लेने के लिए आपको जो मैनेजर से बात करनी होगी, ब्रांच मैनेजर से, उससे फील फ्री बात करनी होगी, हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो ब्रांच मैनेजर होता है उसको ये लगे कि हाँ ये बंदा हमारा लोन चुका सकता है। दूसरी चीज ये कि आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है जिसमें आपको माल का विवरण, जो भी माल आप मंगाने वाले हैं या जो भी मैन्युफैक्चरिंग आप करना चाहते हैं उसका पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए रिटर्न में, कि आप किस किस तरह से काम करेंगे और कितना कितना पैसा आप कहाँ कहाँ यूज करेंगे, वो पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप मैनेजर को दिखाएंगे तो उसको लगेगा कि हाँ ये सारी चीजें रियल हैं और वो लोन देने के लिए आपको तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये ब्रांच मैनेजर पर डिपेंड करता है, अगर उसको लगता है कि आप उसका लोन नहीं चुका पाएंगे तो वो लोन के लिए मना भी कर सकता है। तो दोस्तों ब्रांच मैनेजर को ये लगना चाहिए कि सारी चीजें बिल्कुल रियल हैं। और दोस्तों आप इसका गलत इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए आगे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज आप अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ही इस लोन को लें, अदरवाइज इस लोन को ना लें। दोस्तों ये होता है इसका फॉर्म। अगर आप मान लो सिंडिकेट बैंक से लेना चाहते हैं तो आप सिंडिकेट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां पर मुद्रा लोन का एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है, वहां जाकर आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, या किसी भी बैंक से, SBI से या कहीं से भी आप लोन लेना चाहते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सारे दस्तावेज ले जाएं, अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ले जाएं, ठीक है, तो आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों लोन लेने के लिए ये बहुत ही आसान सा तरीका है, लेकिन आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। पहली चीज़ ये कि आपको रियल लोन लेना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें, आपको जहाँ पे बिजनेस डेवलप करना है उस जगह एरिया के कागज़, उस एरिया का अगर रेंट है तो रेंट एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से शो करनी है वहाँ पर, ताकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी तैयार हो और उससे ब्रांच मैनेजर को ये लगे कि हाँ वाकई में अब काम शुरू होने वाला है। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप लोन लेने जाएं तो लोन के लिए उतना ही अप्लाई करें जितना आप उसको रिटर्न कर सकते हैं या फिर जितनी आपको ज़रूरत है। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं हम इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है, अलग अलग बैंक ने क्या क्या इंटरेस्ट रेट रखे हैं। देखिए यहाँ पर ये bankbazaar.com है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए HDFC बैंक 12.75 to 20%, ठीक है। टाटा कैपिटल 13.49 to 19.5%, ठीक है। ये इसमें जो है 1.5 ईयर का टाइम है। और कैपिटल फर्स्ट, सिटी बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, इसमें सारे बैंक आपके दिए हुए हैं। आप मेरी वीडियो को 2 मिनट के लिए रोकिए और यहाँ से आप नोट कर लीजिए, जो भी बैंक आपके पास पड़ रहा है या फिर जिसमें आपका खाता है, जहाँ से आप मुद्रा लोन लेना चाहते हैं उस बैंक के इंटरेस्ट रेट यहाँ से देख सकते हैं। मेरी वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक लीजिएगा। देखिए सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर क्योंकि लिस्ट काफ़ी बड़ी है उसके बाद इसको नोट कर लीजिए। यहाँ IDBI भी है, इंडियन बैंक भी है, सारे बैंक यहाँ पर दिए हुए हैं जो जो लोग मुद्रा लोन को प्रोवाइड कराते हैं, आप आसानी से इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये इंटरेस्ट रेट हो गया। उसके बाद एक नज़र हम डालते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट पे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ये देखिए फ्रेंड, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, मुद्रा लोन एप्लीकेशन फॉर्म, वही जो मैंने आपको बताया था कि जिस बैंक से आप लोन करा रहे हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर एक अलग से सेक्शन दिया हुआ मुद्रा लोन का, वहां से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका व्हीकल लोन कोई हो रहा हो तो व्हीकल लोन की एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेकर जानी है, ठीक है। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स का ध्यान रखें, पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और फ़ोटो क्लियर होने चाहिए। उसके बाद फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं। उसके बाद इनकम प्रूफ, इनकम प्रूफ में आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा या फिर आपको सैलरी जो स्लिप है वो लेकर जानी होगी, या फिर आपका जो सैलरीड अकाउंट है, अगर आप सैलरीड हैं, सैलरीड अकाउंट है तो आपको जो है अपनी स्टेटमेंट लेकर जाना होगा। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो बैंक का स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का आपको लेकर जाना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। इनके अलावा जो चीज़ इसमें नहीं दी हुई और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो भी काम आप खोलना चाहते हैं, जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको लेकर जानी होगी। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ध्यान रखना, सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर होनी चाहिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो लोन लेने के लिए बहुत ही कारगर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई परेशानी होती है या बैंक में आप जाते हैं आपको लोन नहीं मिलता तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएं, मैं बताऊंगा आखिर प्रॉब्लम क्या रही होगी। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।